तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर, ते चलिए ते चलिए। तो आपने देखा होगा कि इस टाइप का रील्स इंस्टाग्राम पर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है। अगर आप लोग भी इस टाइप का रील्स बनाते हैं तो आप लोगों का भी वीडियो वायरल हो सकती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को यही सिखाने वाला हूं बिल्कुल आसान तरीका से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। हमारे इस चैनल पर आपको इसी टाइप के वीडियो मिलते रहेंगे और साथ में हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम काइन मास्टर है। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर से टेलीग्राम, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से हमको मैसेज कीजिए, हम आपको इस काइन मास्टर का लिंक सेंड कर देंगे और आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये काइन मास्टर का लिंक हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये काइन मास्टर एपीके प्रो मोड वाला वर्जन है और यूट्यूब इस चीज़ को लागू नहीं करता है। तो वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से 9:60 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है और यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है और एडिटिंग वाले ऑप्शन में जा करके फिल स्क्रीन कर देना है और यहाँ से कट का निशान करके और यहाँ से कट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और एक बैकग्राउंड लेना है जो कि ब्लैक कलर का होना चाहिए। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेने के बाद इसका लेंथ बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आप मीडिया पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो ले लेंगे। जिस फ़ोटो को आपको वीडियो बनाना है वो फ़ोटो आप ले लीजिएगा। अब जितना फ़ोटो लीजिएगा स्टेटस उतनी बड़ी होगी। अब इसको दोनों हाथ से स्क्रॉल करके और जूम कर देना है। जूम करने के बाद हम अपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर चले आएंगे। स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आकर के लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करके सॉन्ग ले लेना है। इस सॉन्ग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सॉन्ग लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद इसका ऑडियो हम से निकाल लेंगे। यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडियो का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जा करके स्क्रीन वाले पर क्लिक कर देना है और यहाँ से सही कर देना है। अब जहाँ से ये नीचे में बीट आपको एक नज़र आएगी, हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे आ चुका है, एक बीट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कैच वाले ऑप्शन में क्लिक करके और इसका बैकग्राउंड जो है, ये हम जो लिए थे ब्लैक कलर का, उसको कट कर देंगे राइट साइड से। कट करने के बाद तो मेरा फर्स्ट वीप था, अब यहाँ पे मेरा सेकेंड वीप है। अब यहाँ से क्लिक करेंगे इस पर और कैंच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और राइट साइड से क्लिक कर देना है और उसके बाद अब बड़ा वाला वीप को ले लेना है। बड़ा वाला वीप आपको थोड़ी देर आगे स्क्रॉल कीजिएगा तो मिल जाएगा, ये रहा मिल गया। इसमें आपको एक बड़ा मिलेगा और एक छोटा मिलेगा। फिर कैंची वाले स्क्रीन पर जा करके और इसको राइट साइड से कट कर देंगे। फिर आपको थोड़ा आगे करना है और यहाँ पे फिर से एक वीप मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करके कैंची वाले ऑप्शन पर जाकर फिर राइट साइड से क्लिक कर देंगे और फिर इसको जाना है आगे और इसी प्रकार से फिर से एक मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको एक बड़ा मिलेगा और एक छोटा मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको एक बड़ा और एक छोटा को कर लेना है। सभी को करते हैं, उसके बाद आपसे आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। ये देखिए, फिर से बड़ा वाला मिल चुका है, अब छोटा वाला मिला है। ये देखिए, छोटा वाला मिला, अब यहाँ से छोटा वाले पर क्लिक करके काटेंगे। अब फिर एक बड़ा वाला मिलेगा, ये देखिए बड़ा वाला मिल चुका है, बड़ा वाला। तो इस यहाँ पर बड़ा वाला पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे और फिर छोटा वाला मिलेगा, छोटा वाले पर क्लिक करेंगे और इसको भी कट कर देंगे। फिर से आप हमको बड़ा वाला मिल जाएगा, ये देखिए स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए बड़ा वाला मिल चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको भी कट कर देंगे राइट साइड से और फिर हमको छोटा वाला मिलेगा, छोटा वाला पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से कट कर देंगे। अब हमको फिर से बड़ा वाला मिल जाएगा, तो ये देखिए मेरा बड़ा वाला मिल चुका है, अब यहाँ से कट करके कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमको 30 सेकेंड का ही फ़ोटो बनाना है वीडियो को।
वीडियो से फ़ोटो का वीडियो बनाना है तो हम 30 सेकंड तक ही लेंगे, बाद में बाकी का फ़ोटो हम डिलीट कर देंगे। तो आपको अगर 30 सेकंड से ज़्यादा तक बनाना है तो आप 30 सेकंड से ज़्यादा तक का रख सकते हैं। हमको यहीं तक का रखना है तो हम इसका ऑडियो भी यहीं तक रखेंगे और बाद बाकी को काट देंगे। यहाँ पर देखिए ऑडियो है, इसको भी हम यहाँ पर से कट करेंगे। कट करेंगे तो कैंची पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑडियो को कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो सॉन्ग जो हम लेते हैं उस सॉन्ग पे क्लिक करना है। क्लिक करके इस सॉन्ग को नीचे कर देना है, नीचे कर देना है और नीचे कर देना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और नीचे आराम नीचे कर देंगे इसको, और नीचे करके यहाँ तक छोड़ देना है। अब हमको स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर चले जाना है। स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर जाएंगे हम, ये देखिए हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर चले आए हैं। अब हमको क्या करना है, क्लिप्स ग्राफिक्स का हमको यूज करना है। तो आपको एक इन एनिमेशन का क्लिप ग्राफिक्स ऐसे इंस्टॉल करना है जो कि आपको इस कैन मास्टर से ही इंस्टॉल करना है। गेटवे पर जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इन एनिमेशन में आपको क्या करना है कि 33 वाला लगाना है, देखिए 33 वाला इसमें लगाना है। तो 33 वाला लगा चुके हैं। अब सेकेंड वाला जो है, ये मेरा पहला हुआ छोटा और सेकेंड वाला क्या होगा बड़ा होगा, तो इसमें कॉल मी डीजे का इफेक्ट लगाएंगे। आपके पास कॉल मी डीजे का इफेक्ट नहीं है, ये आपको काइन मास्टर भी नहीं मिलेगा, तो इसको कॉल मी डीजे का इफेक्ट लाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे और कॉल मी डीजे पर इफेक्ट क्लिक करके और सेकेंड वाला पर क्लिक कर देंगे। सेकेंड वाला पर क्लिक करने के बाद फिर हमको आगे बढ़ना है और यहाँ से छोटा वाला जो है इसको क्लिक करेंगे और इन एनिमेशन का लगाना है। छोटे वाला में इन एनिमेशन और इन एनिमेशन क्या करना है 33 वाला में लगाना है, 33 वाला लगा लेना है इन एनिमेशन में। अब करना क्या है, अब बड़ा वाला आएगा तो बड़ा वाला पर क्लिक करेंगे, क्लिप ग्राफिक्स से क्लिक करेंगे और कॉल मी डीजे इफेक्ट को क्लिक करेंगे और सेकेंड वाले को लगा लेंगे। इसी प्रकार छोटा वाला में इन एनिमेशन लगाना है और इन एनिमेशन में जो लगाना है वो 33 वाला लगाना है, तो 33 का हम लगा लेते हैं। अब बड़ा वाला आया तो बड़ा वाला में कॉल मी डीजे इफेक्ट को लगाना है, वो भी सेकेंड वाले। इसी प्रकार सभी में लगाते हैं, ये इसमें लगाना है 33 का, इन एनिमेशन में 33 का लगाना है, इन एनिमेशन में 33 का लगाना है। इन एनिमेशन में 33 लगा चुके हैं और ये आ गया बड़ा वाला क्लिप्स ग्राफिक्स, तो इसमें क्या करना है कॉल मी डीजे इफेक्ट लगाना है, वो भी सेकेंड वाले। फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे छोटा वाला आया तो इसमें क्या करना है, क्लिप्स ग्राफिक्स क्लिक करना है और इन एनिमेशन में चले जाना है और यहाँ पे 33 का लगा लेना है। फिर आगे बढ़ेंगे और क्लिप्स ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे और कॉल मी डीजे इफेक्ट करके सेकेंड वाला लगा देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और ये छोटा वाला आया है तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिप्स ग्राफिक्स पे क्लिक करके इन एनिमेशन में क्लिक करके 33 का लगा देना है। फिर से 33 का लगाना है, छोटा वाला में आपको 33 का लगाना है और बड़ा वाला जो है वो कॉल मी डीजे इफेक्ट वाला में से सेकेंड वाला लगाना है। इसी प्रकार मेरा हो चुका है। ध्यान रखना है कि छोटा वाला जो ये बीप्स है इसमें क्या करेंगे, छोटा वाला जो क्लिप्स का इसमें इन एनिमेशन का 33 का लगाना है और बड़ा वाला में कॉल मी डीजे का जो है वो सेकेंड नंबर का लगाना है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे और ये बैकग्राउंड जो है ये वाइट ब्लैक कलर का, इसको साइड में आ जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से लेयर पे क्लिक करके और मीडिया पे क्लिक करके एक और वीडियो को ले लेना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में से उस वीडियो को भी ले लेंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और वहाँ से ले लेंगे। इसको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा कर देना है, थोड़ा सा बड़ा करना है और इसको ऊपर करेंगे, ब्लिंग वाले ऑप्शन में जा करके और स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद ऐसे इसको लास्ट में जाएंगे और यहाँ से ख़त्म हो रहा है मेरा वीडियो, यहाँ पे जाकर इसको कट कर देंगे। इस सभी का हम इस वीडियो में जितना मटेरियल का यूज किया सबको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार हम इस वीडियो को प्ले करके आपको बता देते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हमारे इस YouTube चैनल पर इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे।